कहते हैं सारा समंदर मेरे पास है, दो बूंद पानी मेरी प्यास है। देखिए अभी हम मौजूद हैं PHED मंत्री के आवास पर और यहाँ वही कहावत चरितार्थ होती है कि दो बूंद पानी मेरी प्यास है। इस आवास में पानी नहीं आ रहा है और आप देखिए उनके जो स्टाफ हैं वो बाहर से पानी भर रहे हैं। PHD विभाग की जिम्मेदारी है कि पूरे बिहार में पानी की व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था करें, लोगों तक पेयजल पहुंचाएं, लेकिन आज मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनके आवास पर पानी नहीं आ रहा है। और आप देखिए ये विधायक आवास है, ये जितने फ्लैट्स हैं उसमें विधायक रहते हैं, यानी कि बिहार के माननीय रहते हैं, और यहाँ पानी का संकट हो चुका है। हम अभी अंदर जाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से पानी की कमी हुई है। मंत्री जी क्या कहते हैं, क्योंकि उनके जो स्टाफ हैं, आप लोग कितने दिन से पानी भर रहे हैं? पानी तो हम लोग कल से भर रहे हैं, बाहर से पानी भर के हम लोग तो परेशान है कल से। मंत्री जी से शिकायत किया आप लोगों ने? हम मंत्री जी से शिकायत की, लेकिन मंत्री जी के विभाग का चीज नहीं है ये, जो इसका MLA फ्लैट का मेंटेनेंस करता है उसकी लापरवाही है। अच्छा, हम लोगों ने तो हम जो सरकार विभाग है उसके लिए तो सरकार कर रहे हैं लगातार, और हर जगह नल जल योजना के तहत कल गलवा रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव तक हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम ही लोग के आवास में, और ये गड़बड़ी विभाग का नहीं है, ये यहाँ जो ऑपरेटिंग करता है देखिए उसका गड़बड़ी है। ये इनका कहना है कि भले मंत्री जी जो हैं वो पानी के विभाग के मंत्री हों, पेयजल लोगों तक पहुंचाते हों, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ की जो देख रेख की व्यवस्था है वो दूसरी। देखिए मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से यहाँ कौन देखता है, पटना कौन देखता है? अच्छा, हम लोग यहाँ कौन देखता है? जैसे कि MLA फ्लैट से भवन निर्माण देखता है, अब सोचिए रात से पानी नहीं देता है। मिलते हैं भाई, फिर काम है आपके यहाँ, मिलते हैं फिर काम है। नीरज सिंह बबलू हैं, और आपको बता दें कि ये अभी शिकायत कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्री नितिन नवीन से, और वो भी लाचार दिख रहे हैं। देखिए सर अभी तक आप ऐसे ही बैठे हैं, ऑफिस जाने का भी समय हो गया, हो रहा है पानी बोला है आ रहा है। देखिए अब सरकारी काम है और अपनी सरकार की भद न पिटे, इसलिए नीरज सिंह बबलू कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्थिति तो ये है कि उनके स्टाफ लगातार पानी ढो रहे हैं और फ्लैट में पानी पहुंचा रहे हैं कि किसी तरह की पेयजल की व्यवस्था की कमी ना हो। और सुबह से ही मंत्री जी इसी तरह से बैठे हुए हैं, किसी तरह से ना ब्रश किया है, ना उन्होंने अभी तक नाश्ता किया है, ऑफिस जाने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तरह की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कल से ही पानी नहीं आ रहा है। हालत मंत्री आवास की ये है तो आम जनता की क्या होगी। रमसन अशोक के साथ प्रिजम पांडे, ETV भारत, पटना।